इसकी हम दूसरी क्लास जो है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो सभी बच्चे जो हैं वो एक बार जुट जाएंगे। और एक काम और करें बच्चे, कल भी मैंने आपको बताया था कि आप इस जो भी आपके पास नोटिफिकेशन आ रहा है जब क्लास ओपन करते हो तो उसको एक बार चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें और आगे एक बेल का निशान है उसको प्रेस कर लें। देन क्या होगा कि मैं जो भी नेक्स्ट टाइम क्लास लगाऊंगा तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा, मेरे को पहले मैसेज करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो जैसे कि बेटा हम बात करते हैं जो हमारे लास्ट चैप्टर चल रहा था, जो लास्ट क्लास थी उसके अंदर हमने समष्टि अर्थशास्त्र के बारे में स्टार्ट किया था। तो फिर से जो बच्चों ने कल क्लास नहीं लगाई थी उनके लिए भी फिर से जो लास्ट क्लास के अंदर हमने बातें करी थी उनको मैं एक बार फिर से दोहरा देता हूँ। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था बच्चे कि समष्टि अर्थशास्त्र अर्थशास्त्र क्या होता है, डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र कितने प्रकार का होता है, दोनों के बीच में अंतर क्या है। अर्थशास्त्र बेटा दो प्रकार का होता है। सबसे पहले हम अर्थशास्त्र की बात करते हैं, वो किताब होती है, वो पुस्तक होती है जो हमें आर्थिक क्रियाओं का ज्ञान करवाती है। आर्थिक क्रियाएँ वो क्रियाएँ होती हैं जिनका उद्देश्य धन कमाना होता है, तो उन क्रियाओं का जो भी किताब हमें ज्ञान करवाएगी उसे हम अर्थशास्त्र बोलते हैं। सात्विक रूप से अर्थशास्त्र दो प्रकार का था, व्यष्टि और समष्टि, माइक्रो और मैक्रो। व्यष्टि अर्थशास्त्र एक छोटी धारणा थी जो व्यक्तिगत इकाइयों की आर्थिक क्रियाओं का, यानी छोटे तौर के ऊपर एक फर्म हो गया, एक परिवार हो गया, एक उद्योग हो गया, छोटे स्तर के ऊपर उनकी आर्थिक गतिविधियों का जो किताब हमें ज्ञान करवाती है उसे हम व्यष्टि अर्थशास्त्र बोलते थे। आज की जो हमारी बुक है दूसरा पार्ट मैक्रो इकोनॉमिक्स, जो कंप्लीट जो इकोनॉमी सिस्टम है हमारा, वो संपूर्ण अर्थव्यवस्था है, उसके बारे में हमें ज्ञान करवाता है, तो उसके बारे में हमने पढ़ना स्टार्ट किया था। तो आगे बढ़ते हैं बेटा, सबसे पहले हम समष्टि अर्थशास्त्र की परिभाषा से स्टार्ट कर देते हैं दोबारा से कि समष्टि अर्थशास्त्र किसे कहते हैं। तो उसके अंदर हमने परिभाषा बताई कि यानी वह शास्त्र जो हमें संपूर्ण अर्थव्यवस्था की आर्थिक क्रियाओं का बेटा कौन सी क्रियाओं का आर्थिक क्रियाओं का ज्ञान करवाता आर्थिक क्रियाओं का ज्ञान कराता हो उसे हम जो है समष्टि अर्थशास्त्र बोलेंगे बेटा, या समष्टि मैक्रो इकोनॉमिक्स उसे हमें समष्टि अर्थशास्त्र कहेंगे। जैसे हमने कल बात करी थी बच्चे, जैसे परिवार था, उत्पादन था, सरकारी था और एक था बेटा शेष विषय क्षेत्र, तो इनके बारे में कल मैंने आपको बताया था। जो आपका समष्टि अर्थशास्त्र है उन चारों क्षेत्रों का, क्योंकि मैंने बताया था ये खुली अर्थव्यवस्था है, इन चारों क्षेत्रों का अलग अलग से विस्तार से ज्ञान करवाता है, तो ऐसा अर्थशास्त्र क्या कहलाएगा, समष्टि अर्थशास्त्र, जो हमें संपूर्ण अर्थव्यवस्था की आर्थिक क्रियाओं का ज्ञान करवाता है। तो अगला जो इस पाठ के अंदर जो टॉपिक है वो है समष्टि अर्थशास्त्र के अध्ययन के क्षेत्र, समष्टि अर्थशास्त्र के अध्ययन के क्षेत्र। अध्ययन के क्षेत्र से क्या अभिप्राय होगा कि जब समष्टि अर्थशास्त्र हम पढ़ते हैं तो हमें कौन कौन सी चीजों का ज्ञान करवाता है, कौन कौन से फैक्टर्स जो हैं, कौन कौन से फील्ड्स जो हैं जिनके बारे में ज्ञान हमें समष्टि अर्थशास्त्र को पढ़ने से प्राप्त होता है, वो चीजें कहलाएंगी समष्टि अर्थशास्त्र के अध्ययन के क्षेत्र। जैसे व्यष्टि अर्थशास्त्र के अध्ययन के क्षेत्र के अंदर आपने पढ़ा था कि मांग का सिद्धांत, उत्पादन का सिद्धांत, साधन कीमत का सिद्धांत और कीमत निर्धारण का सिद्धांत, वो हमने व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंदर पढ़े थे कि जो व्यष्टि अर्थशास्त्र है हमें इन इन चीजों का ज्ञान करवाता है। तो आज हमें पढ़ना है बच्चे कि जो समष्टि अर्थशास्त्र है उसको पढ़ करके ये समष्टि अर्थशास्त्र हमें कौन कौन से क्षेत्रों की आर्थिक गतिविधियों का ज्ञान करवाता है।
क्योंकि हमने अच्छी तरह से पढ़ा है कि अर्थशास्त्र हमेशा आर्थिक क्रियाओं का ज्ञान कराता है। तो व्यष्टि में माइक्रो में हमने पढ़ा था कि वो हमें कौन कौन सी चीजों का कौन कौन से फील्ड के बारे में बताता है। आज हम पढ़ेंगे कि समष्टि अर्थशास्त्र जो है हमें कौन कौन से फील्ड के बारे में ज्ञान करवाता है। तो आज का जो टॉपिक है उसके अंदर हमें ये बताना है कि जब हम मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं तो कौन कौन सी चीजों का ज्ञान प्राप्त करते हैं, किसको पढ़ करके, मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो सबसे पहले बात करेंगे बेटा, मैंने लिखा राष्ट्रीय आय का सिद्धांत। राष्ट्रीय आय का सिद्धांत पहला चैप्टर बेटा, इसलिए हम डीप में नहीं जाएंगे, कल भी बात हुई थी हमारी। राष्ट्रीय आय, नेशनल इनकम क्या होती है बच्चे, राष्ट्रीय आय क्या होती है। राष्ट्रीय आय के अंदर अगर हम अगले अभी जो चैप्टर आएगा बेटा वो राष्ट्रीय आय से संबंधित होगा, उसके ऊपर हम राष्ट्रीय आय से जुड़ी सारी बातें करेंगे। लेकिन नेशनल इनकम होती क्या है उसके लिए थोड़ी सी मैं डेफिनेशन बताता हूँ कि हमारे घरेलू सीमा में या हमारे देश के अंदर जितना भी वस्तुओं का और सेवाओं का उत्पादन होता है उससे जो हमें आय प्राप्त होती है, नंबर एक वो तो हमारी घरेलू आय है। लेकिन उस आय के साथ अगर हम विदेशों से जो आय प्राप्त करते हैं, दूसरी कंट्रीज से भी बेटा, अदर कंट्रीज से भी हम आय प्राप्त करते हैं, तो अदर कंट्रीज से जो आय प्राप्त करी और हमने जो घर के अंदर जो आय प्राप्त करी, दोनों को अगर हम मिला देंगे बच्चे तो उसको हम नेशनल इनकम बोलते हैं। शाब्दिक परिभाषा नहीं है लेकिन समझाने के लिए, मैं सिद्धांत को समझाने के लिए बात कर रहा हूँ कि हमारे देश के या हमारे देश की घरेलू सीमा में, हमारे डोमेस्टिक एरिया में जितना भी प्रोडक्शन होता है, वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन होता है, उससे जो आय प्राप्त होती है प्लस में जो विदेशों से जो हम आय प्राप्त करते हैं, दोनों को जोड़ देंगे तो हमें नेशनल इनकम प्राप्त होती है। तो विदेशों की बात इसके अंदर शामिल है, विदेशों की बात का जिक्र हुआ तो अगर विदेशी बात आ गई देन हमारी जो इकोनॉमी सिस्टम है बेटा वो ओपन हो गया, अर्थव्यवस्था खुली हो गई, शेष विषयों से तक शामिल हो गया, तो कौन सा अर्थशास्त्र इसका ज्ञान करवाएगा, समष्टि अर्थशास्त्र। तो इसमें लिखेंगे राष्ट्रीय आय से जुड़े संबंधित जो मुद्दे हैं या राष्ट्रीय आय से जुड़े जो सभी प्रकार की क्रियाएं हैं, उन क्रियाओं का ज्ञान हमें राष्ट्रीय आय का सिद्धांत करवाता है, जो किसका पार्ट है बेटा, समष्टि अर्थशास्त्र का, मैक्रो इकोनॉमिक्स का। तो पहला सिद्धांत कौन सा, राष्ट्रीय आय का सिद्धांत, राष्ट्रीय आय से जुड़ी समस्त गतिविधियों का ज्ञान हमें समष्टि अर्थशास्त्र करवाता है। दूसरा, मुद्रा का सिद्धांत, मुद्रा का सिद्धांत। मुद्रा एक बेटा वैश्विक स्तर की बात है, विश्व स्तर की बात है, यानी मुद्रा आपने सुना होगा, दसवीं क्लास में पढ़ा था, ब्रिटेन वुड्स समझौता हुआ था जिसके अंतर्गत मुद्रा का अंतर्राष्ट्रीयकरण कर दिया गया था। यानी मुद्रा एक ऐसी चीज है बच्चे जो किसी भी देश की दूसरे देश में चल सकती है, यानी हमारे देश की मुद्रा दूसरे देश में चलेगी, ऑस्ट्रेलिया में चलेगी, कनाडा में चलेगी, लेकिन हमारे देश की मुद्रा की जो वैल्यू है बेटा वो हमारे देश के या हमारे कंट्री के इकोनॉमी स्ट्रक्चर या लेवल के ऊपर डिपेंड करेगी, हमारे विकास के ऊपर डिपेंड करेगी। लेकिन एक देश की मुद्रा दूसरे देश में वैल्यूएबल होती, यानी बेटा चलती है, मतलब विनिमय का माध्यम हमारी मुद्रा का हम दूसरे देश में विनिमय के लिए यूज कर सकते हैं। तो एक देश की मुद्रा दूसरे देश में चलेगी, तो मुद्रा से जुड़े जितने भी कंसेप्ट हैं, मनी से जुड़े जितनी भी परिभाषाएं हैं, मनी से जुड़े जितने भी कंसेप्ट हैं, उनका अगर हमें ज्ञान लेना है तो वो सिद्धांत होगा बेटा मुद्रा का सिद्धांत, जो कौन से अर्थशास्त्र का पार्ट है, समष्टि अर्थशास्त्र का। तो उसमें लिखेंगे मुद्रा से जुड़े सभी मुद्दों का ज्ञान, मुद्रा की विशेषताएं, मुद्रा के प्रकार, मुद्रा का अर्थ, मुद्रा की आवश्यकता, यानी मुद्रा से जुड़े सारी जो चीजें हैं उनका जो ज्ञान हमें मुद्रा का सिद्धांत यानी समष्टि अर्थशास्त्र करवाता है। उसके बाद में नंबर तीन, अंतरराष्ट्रीय व्यापार का सिद्धांत। अंतरराष्ट्रीय व्यापार क्या होता है बच्चे, एक देश का दूसरे देश के साथ जो आयात निर्यात का संबंध होता है उसको हम अंतरराष्ट्रीय या इंटरनेशनल ट्रेड सिस्टम बोलते हैं।
तो दूसरे देशों के साथ हम आयात और निर्यात करेंगे, आयात निर्यात से जुड़े जो भी मुद्दे हैं, आयात निर्यात से जुड़ी जो भी गतिविधियां हैं, उन गतिविधियों का अध्ययन हमें ये अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का सिद्धांत करवाएगा। और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का सिद्धांत समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत आता है। राष्ट्रीय मुद्रा, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, और ये सबसे बड़ा जो इसका फील्ड है बच्चे मैक्रो इकोनॉमिक्स का, वो है रोजगार का सिद्धांत। रोजगार का सिद्धांत, रोजगार और बेरोजगारी की समस्या या रोजगार से जुड़े जो कंसेप्ट है बच्चे, वो किसी भी एक देश से रिलेटेड नहीं होते। रोजगार एक ऐसी चीज है बच्चे जिसके ऊपर किसी भी देश की नेशनल इनकम डिपेंड होती है, राष्ट्रीय आय निर्भर करती है। और राष्ट्रीय आय क्या होती है, एक ऐसा स्टेटस होता है बेटा जो हमें अदर कंट्री के साथ हमारे देश का कंपैरिजन करवाता है। तो रोजगार और बेरोजगारी की जो क्षेत्र है या रोजगार से संबंधित जो भी क्रिया विधि है, जो कार्य प्रणाली है, वो एक इंटरनेशनल लेवल की बात है बेटा, इंटरनेशनल लेवल का एक ट्रैक है। क्योंकि रोजगार के ऊपर किसी भी देश का आर्थिक विकास, उस देश की प्रति व्यक्ति आय, उस देश की राष्ट्रीय आय निर्भर करती है। तो रोजगार से जुड़ी सारी जो गतिविधियां हैं वो रोजगार के सिद्धांत में पढ़ेंगे, जो कौन सा अर्थशास्त्र का होता है, समष्टि अर्थशास्त्र। तो ये ऐसे फील्ड थे बेटा, कुछ एक और भी हैं जैसे मैं लिख देता हूं, एक फील्ड ये भी है कीमत संयंत्र का सिद्धांत। कीमत संयंत्र का सिद्धांत ये भी समष्टि अर्थशास्त्र के अंदर आता है, क्योंकि कीमत संयंत्र का मतलब होता है बच्चे कीमतों का जाल, और कीमतों का जो जाल है बेटा वो अंतरराष्ट्रीय मार्केट के ऊपर निर्भर करता है। तो कीमतों के जाल से जुड़ी गतिविधियों का ज्ञान भी हमें समष्टि अर्थशास्त्र करवाता है। तो ये थे बच्चे समष्टि अर्थशास्त्र के अध्ययन के क्षेत्र, अर्थात समष्टि अर्थशास्त्र हमें कौन कौन से क्षेत्रों का ज्ञान करवाता है। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे बात करते हैं बच्चे, इस चैप्टर के अंदर एक छोटा सा टॉपिक रहा है जिसका नाम है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, यानी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं। 5 नंबर की जगह रहता है ये क्वेश्चन, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की परिभाषा क्या है। सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए बच्चे कि इकोनॉमिक्स में पूंजी क्या होती है, ये मैंने आपको फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर अच्छी तरह से करवा दिया है। ये जो होती है बेटा स्थायी परिसंपत्तियां होती हैं जिनका उत्पादन प्रक्रिया में बार बार जो है बेटा प्रयोग किया जाता है। स्थायी परिसंपत्तियां जिनका उत्पादन प्रक्रिया में बार बार प्रयोग किया जाता है, स्थायी परिसंपत्तियां। जैसे मशीन है बच्चे, प्लांट है जिनका उत्पादन प्रक्रिया में हम बार बार लंबे समय तक प्रयोग करते हैं, उन चीजों को इकोनॉमिक्स में पूंजी कहा जाता है। अब अगर हम बात करें तो पूंजी है, यहां मैंने पूछा आपको कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था क्या है, ये 5 नंबर का क्वेश्चन आता है बच्चे, और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था क्या है और इसकी विशेषता क्या है, ये 5 नंबर में हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है एक कोड के अंदर। तो पहले पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की हम परिभाषा करेंगे, इसके अंदर दो चीजें बेटा, एक तो होता है उत्पादक और दूसरा होता है बच्चे उपभोक्ता। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में दो प्रमुख पार्ट्स होते हैं, एक होता है उत्पादक और दूसरा होता है उपभोक्ता। तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था इन दो चीजों के ऊपर जो है वो मूव करती है। यहाँ उत्पादक और उपभोक्ता दोनों क्या होते हैं बच्चे, पूर्ण रूप से स्वतंत्र होते हैं। स्वतंत्र का मतलब फ्री होते हैं। उत्पादक उन वस्तुओं का उत्पादन कर सकता है जिनको बेचने से अधिकतम लाभ प्राप्त होता हो, और उपभोक्ता उन वस्तुओं का प्रयोग कर सकता है जिनको प्रयोग करने से अधिकतम क्या प्राप्त होती हो, संतुष्टि प्राप्त होती हो। तो दोनों जो है वो पूर्ण रूप से क्या होते हैं बच्चे, फ्री होते हैं। ऐसी अर्थव्यवस्था को पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहती है। अब इसको समझने का प्रयास करेंगे, उपभोक्ता जो है बच्चे वो वस्तुओं का प्रयोग क्यों करता है,
एक उपभोक्ता वस्तुओं और सेवाओं का प्रयोग किस लिए करता है? वस्तुओं और सेवाओं का प्रयोग अपनी आवश्यकता पूर्ति हेतु और आत्मिक संतुष्टि प्राप्त करने के लिए, सेटिस्फिकेशन के लिए एक उपभोक्ता जो है वो वस्तुओं का प्रयोग करता है। और एक उत्पादक, उत्पादक होता है उत्पादन करने वाला, जैसे किसान है वो फसलों का उत्पादन करता है, यानी वो किसी भी प्रकार से बाधित नहीं है, उसके ऊपर कोई प्रतिबंध नहीं है कि वो कौन सी चीज का उत्पादन करे। वो उस चीज का उत्पादन कर सकता है जिसको बेचने से या जिसको मार्केट में लेके जाने से उसे अधिकतम लाभ प्राप्त होता है, उसके ऊपर कोई दबाव नहीं, और उपभोक्ता उन वस्तुओं का प्रयोग कर सकता है जिनके प्रयोग से उसे अधिकतम क्या प्राप्त होती हो, संतुष्टि प्राप्त होती है। तो दोनों जो है बेटा फ्री होते हैं, और इसी स्वतंत्रता को कौन सी अर्थव्यवस्था का नाम दिया जाता है? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। अब इसके अंदर हम विशेषताएं की बात करेंगे। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की विशेषता क्या है? पहली विशेषता है बच्चे इसके अंदर निजी संपत्ति। कोई भी व्यक्ति अपनी निजी संपत्ति रख सकता है, अपनी संपत्ति के ऊपर दावा कर सकता है, जिसको बोलते हैं बेटा हम इकरार कर सकता है। कोई भी व्यक्ति अपनी सीमा के अनुसार निश्चित संपत्ति कर सकता है और उस संपत्ति के ऊपर अपना दावा प्रस्तुत कर सकता है। कौन सी अर्थव्यवस्था में? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। दूसरा है बच्चे स्वहित। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में कौन कौन उपभोक्ता और उत्पादन करता दोनों जो है वो अपने हित से प्रेरित होकर के अपनी भलाई के लिए, अपने हित के लिए काम करते हैं। दोनों आपस में पूर्ण रूप से स्वतंत्र होते हैं, उनके ऊपर किसी प्रकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होता। तीसरा मैंने लिखा बच्चे कि उपभोक्ता जो है उपभोक्ता की प्रभु सत्ता होती है, यानी पूरे बाजार का, पूरी अर्थव्यवस्था का जो मालिक है वो उपभोक्ता होता है। वो क्यों होता है? क्योंकि अगर उपभोक्ता वस्तु और सेवाओं की मांग नहीं करेगा देन किसी भी प्रकार का जो प्रोडक्शन है उसका कोई लाभ नहीं है। तो उपभोक्ता पूर्ण रूप से स्वामी होता है इस अर्थव्यवस्था का, क्योंकि उपभोक्ता वस्तु और सेवाओं की मांग करेगा, जिसके कारण उत्पादन होगा, प्रोडक्शन होगा, बाजार में वस्तुएं आएंगी, मांग और पूर्ति जो है दोनों मूव करेगी। तो उपभोक्ता जो है पूरी तरह से बाजार का या इस अर्थव्यवस्था का स्वामी होता है। आगे है लाभ प्रेरणा। लाभ प्रेरणा, उपभोक्ता भी लाभ से प्रेरित होकर के वस्तुओं और सेवाओं का प्रयोग करता है और उत्पादन करता भी लाभ से प्रेरित होकर के वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करता है। दोनों का उद्देश्य लाभ, प्रॉफिट गेन करना होता है। कौन सी अर्थव्यवस्था में? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में। इसके अंदर कई चीजें और भी आती है, जैसे एक पार्ट है जैसे इसके अंदर जो श्रमिक होते हैं, श्रमिक का वस्तु के रूप में प्रयोग, जैसे वस्तुओं को खरीदा और बेचा जाता है वैसे ही मजदूरों को, श्रमिकों को पैसे देकर के खरीदा और बेचा जाता है। ये एक इस अर्थव्यवस्था की एक अवगुण भी कह सकते हैं, एक समस्या भी कह सकते हैं। लाभ प्रेरणा, समय हित, निजी संपत्ति, ये सारी जो चीजें हैं इस पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की विशेषता है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था वह विशेष अर्थव्यवस्था होती है जहां पे दोनों लोग, उपभोक्ता और उत्पादनकर्ता, दोनों फ्री होते हैं, जिनके ऊपर किसी प्रकार का कोई दबाव नहीं होता। उत्पादनकर्ता उन वस्तुओं का उत्पादन कर सकता है जिसको बेचने से अधिकतम लाभ प्राप्त होता हो, और उपभोक्ता उन वस्तुओं का प्रयोग कर सकता है जिनके प्रयोग करने से अधिकतम संतुष्टि प्राप्त होती हो। एक क्वेश्चन बता देता हूँ, एक बात बताता हूँ। उपभोक्ता द्वारा जिन भी वस्तुओं का प्रयोग किया जाता है केवल प्रयोग करना संतुष्टि को प्राप्त करना होता है। उपभोक्ता जिन भी वस्तुओं और सेवाओं का यूज करता है, चाहे वो दिखावे के लिए करता है, चाहे वो समाज के अनुरूप करता है, समाज को अस्वीकृत लगता है, लेकिन उसके पीछे उपभोक्ता की संतुष्टि काम करती है। उपभोक्ताओं द्वारा जिन भी वस्तुओं और सेवाओं का प्रयोग किया जाता है उसका उद्देश्य आत्मिक संतुष्टि या सेटिस्फिकेशन प्राप्त करना होता है। ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब क्या होगा कि इस
चैप्टर के मेन मेन जो पार्ट है बेटा पहले चैप्टर के, वो मैंने आपको क्लियर करवाए। आपको इसके ऊपर थोड़ा ध्यान देना है, एक बार वीडियो को और देखना है, उसके बाद में आपकी जो बुक है TRJ वाली उसके ऊपर एक बार रीडिंग लेनी है। सारी चीज़ें वैसे की वैसे मैंने यहाँ पे करवाई है, लेकिन उसके अंदर थोड़ा डिटेल से लिखा हुआ है। मेरा जो कही हुई बातों को ध्यान में रखते हुए वो डिटेल पढ़ोगे तो सारे टॉपिक्स जो है बेटा, सारे जो प्रॉब्लम्स हैं वो दूर हो जाएंगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, कल की क्लास तक वेट करें। आज और मैंने दो क्लासों में मेरी चैप्टर पूरा किया है, इससे जुड़ी कोई भी समस्या है तो आप ग्रुप्स में डाल सकते हैं, उसको मैं दूर करने का प्रयास करूँगा। धन्यवाद।